क्रिकेट के खेल में प्रतिभा के साथ ही किस्मत का भी बड़ा रोल रहता है। इस खेल में हमने कई ऐसे बदकिस्मत खिलाड़ियों को देखा है जिनका करियर चोट के कारण समाप्त हो गया, लेकिन कई बार यही चोट दूसरे खिलाड़ी को मौका दे जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही खिलाड़ी के बारे में बताएंगे जिसे अपने साथी क्रिकेटर के इंजर्ड होने के कारण टीम में जगह मिली और फिर उस खिलाड़ी ने मौके का इतने शानदार तरीके से फायदा उठाया कि उसे टीम से ड्रॉप करना मुश्किल हो गया। हम बात कर रहे हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश मोंगिया की। दिनेश मोंगिया का जन्म 17 अप्रैल 1977 को पंजाब के चंडीगढ़ शहर में हुआ था। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। क्रिकेट के शौकीन मोंगिया के पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर आर्मी ज्वाइन करे, लेकिन जब मोंगिया 17 बरस के हुए तब उन पर अचानक क्रिकेटर बनने का नशा सवार हो गया। वो अब आर्मी को छोड़कर क्रिकेटर बनने के सपने देखने लगे थे। अपने क्रिकेट पर फोकस करने के लिए मोंगिया ने अपने पिता से झगड़ कर चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। 1995 में उन्हें साउथ अफ्रीका के अंडर 19 टीम के खिलाफ खेलने के लिए भारत के अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया। इस प्रतियोगिता में दिनेश ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। उनके इस प्रदर्शन के बाद सुनील गावस्कर जैसे बड़े क्रिकेटर ने मोंगिया की खूब तारीफ की। साल भर के अंदर ही मोंगिया पंजाब की फर्स्ट क्लास टीम में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन अब वो कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे थे जिसके कारण उन्हें भारत की नेशनल टीम में जगह मिल सके। सन 2001 में मोंगिया डोमेस्टिक क्रिकेट में अलग तरह की फॉर्म में थे। उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में 2 दोहरा शतक और रणजी ट्रॉफी में 1 तिहरा शतक लगाया। इस प्रदर्शन के बाद सेलेक्टर्स ने मोंगिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम में शामिल कर लिया। पुणे में खेले गए सीरीज के दूसरे मैच से उन्होंने अपने वनडे करियर का पदार्पण किया, लेकिन मोंगिया इस मैच में महज 2 रन बनाकर आउट हो गए। साल 2002 में जिम्बाब्वे की टीम 2 टेस्ट और 5 वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारत आई थी। मोंगिया को वनडे सीरीज के लिए टीम में चुना गया। सीरीज के पहले पता चला कि वीरेंद्र सहवाग का कंधा उतर गया है और वो जिम्बाब्वे सीरीज में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ये बात टीम के कप्तान सौरव गांगुली के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई थी। टीम में सचिन पहले से ही नहीं थे और सहवाग के चोटिल होने के बाद गांगुली के सामने पारी की शुरुआत किससे करवाई जाए, ये समस्या खड़ी हो गई थी। सीरीज से पहले इंडियन टीम बस में सवार होकर कहीं जाने के लिए तैयार थी। गांगुली बस में सबसे आगे वाली सीट पर बैठे हुए अपने ओपनिंग पार्टनर के बारे में विचार कर रहे थे। इसी दौरान एक युवा खिलाड़ी जिसका इंडियन टीम में अभी कोई ठोर ठिकाना नहीं था, बस में चढ़ा और पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। गांगुली की नजर उस खिलाड़ी पर पड़ी और अपनी सीट छोड़कर वो भी उस नए खिलाड़ी के पास जाकर बैठ गए। ये नया खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि दिनेश मोंगिया थे। दादा ने मोंगिया से कहा, दिनेश वीरू का शोल्डर उतर गया है तो अगले सीरीज के लिए वो खेल नहीं पाएगा। तू तो पंजाब के लिए 3 नंबर खेलता है ना, क्या तू ओपन करेगा? मोंगिया ने दादा की बात सुनते ही झट से कहा, ठीक है दादा, कर लूंगा, उसमें क्या है। मोंगिया से ओपनिंग करवाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ अनिल कुंबले का था। दरअसल जिम्बाब्वे के खिलाफ उस सीरीज से लगभग 1.5 महीने पहले ही डोमेस्टिक क्रिकेट में चैलेंजर्स ट्रॉफी खेली गई थी। इस घरेलू प्रतियोगिता में अनिल कुंबले को इंडिया बी टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन कुंबले सेलेक्टर्स से नाराज थे क्योंकि सेलेक्टर्स ने उन्हें ऐसी टीम चुनकर दी थी जिसमें ओपनर था ही नहीं। अब कुंबले भी यही सोच रहे थे कि वो मैच में आखिर किससे पारी की शुरुआत कराएं। आनन फानन में मैच से पहले वाली शाम उन्होंने दिनेश मोंगिया से पूछा, क्या तुम कल के मैच में ओपनिंग करोगे? और दिनेश ओपनिंग करने के लिए मान गए। उस मैच में मोंगिया का स्कोर था 140 गेंदों पर 131 रन। मोंगिया की इस पारी से कुंबले इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने घूम घूम कर हर किसी से उनकी बैटिंग की तारीफ करनी शुरू कर दी। जिन लोगों से कुंबले ने मोंगिया की तारीफ की थी उनमें विश्वनाथ और गावस्कर जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल थे। जिम्बाब्वे सीरीज शुरू होने से पहले जब कुंबले ने देखा कि दादा के पास ओपनिंग में उनका साथ देने के लिए कोई नहीं है, तब उन्होंने मोंगिया का नाम उन्हें सजेस्ट किया था। मोंगिया ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। सीरीज के पहले 4 मैचों में उन्हें स्टार्ट मिली, लेकिन वो उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। फिर गुवाहाटी में खेले जाने वाले 5वें वनडे से पहले शाम को जॉन राइट, संजय मांजरेकर और दिनेश मोंगिया साथ में बैठे थे। संजय ने बातचीत के दौरान जॉन राइट से कहा, ये जो लड़का है ना, इसकी रेपुटेशन 50-50 रन बनाने की नहीं है, इसकी रेपुटेशन 200-300 रन बनाने की है। अगले दिन मोंगिया ने ऐसी बैटिंग की कि उन्हें जिम्बाब्वे का कोई भी गेंदबाज आउट नहीं कर पाया। मोंगिया उस मैच में नॉट आउट 159 रन बनाकर वापस लौटे। 19 मार्च 2002 को खेला गया यह मैच मोंगिया के वनडे करियर का 15वां मैच था।
इस पारी की बदौलत मुंगिया पहले वेस्टइंडीज गए, फिर इंग्लैंड में नेटवर्थ सीरीज भी खेले। सेलेक्टर्स और टीम के कप्तान सौरव गांगुली को मुंगिया पर इतना ज्यादा भरोसा हो गया था कि उन्होंने 2003 विश्व कप के लिए वीवीएस लक्ष्मण से ज्यादा मुंगिया पर भरोसा दिखाया। यूं तो मुंगिया इस वर्ल्ड कप में गेंद और बल्ले से कोई खास कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन फाइनल मैच में रिकी पोंटिंग को LBW करने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। फाइनल मैच में 38वां ओवर फेंकने आए मुंगिया की पहली ही गेंद पर पोंटिंग ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे पोंटिंग के पैड पर जाकर टकरा गई। मुंगिया और विकेटकीपर राहुल द्रविड़ ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर स्टीव बकनर ने इस अपील में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। बाद में रिप्ले में देखने में पता चला कि पोंटिंग आउट थे। अप्रैल 2003 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ढाका में खेले गए एक मैच में मुंगिया ने 38 गेंदों पर नाबाद 55 रन की पारी खेली थी। बांग्लादेश में खेले गए इस ट्राई सीरीज के बाद वो टीम से बाहर हो गए। इसके बाद 2006 में टीम में वापसी करते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वालालंपुर में नाबाद 68 रन की पारी खेली, लेकिन उनकी ये पारी भारत को मैच नहीं जिता सकी। इसी वर्ष मुंगिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक T20 मैच भी खेला था। इस मैच में मुंगिया ने 38 रन की पारी खेलकर भारत को 6 विकेट से मैच जीतने में अहम योगदान दिया। मुंगिया 2007 के T20 और 50 ओवर वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए थे और मई 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के बाद उन्हें इंडियन टीम से ड्रॉप कर दिया गया और इसके बाद वो फिर से इंडियन टीम में वापसी नहीं कर पाए। दिनेश मुंगिया 2007 में शुरू हुई इंडियन क्रिकेट लीग का भी हिस्सा रहे थे। इस लीग में वे चंडीगढ़ लायंस की टीम के लिए खेले थे। 2008 में डिसिप्लिनरी रीजन का हवाला देते हुए मुंगिया को ICL से सस्पेंड कर दिया गया था। 2015 में न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर लू विंसेंट ने लंदन की एक अदालत में मुंगिया पर इंडियन क्रिकेट लीग में खेलने के दौरान मैच फिक्सिंग करने का आरोप लगाया था, लेकिन मुंगिया ने इन आरोपों को झूठा बताया। इसके बाद वर्ष 2019 में मुंगिया ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। मुंगिया ने अपने इंटरनेशनल करियर में भारत के लिए कुल 57 वनडे और एक T20 मैच खेला है। वनडे में मुंगिया के नाम 27.95 की औसत से 1230 रन, जबकि एकमात्र T20 मैच में उन्होंने 38 की औसत से 38 रन बनाया। बात करें मुंगिया की निजी जिंदगी की तो उन्होंने वर्ष 2003 में आरती चांडक से शादी की थी। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात 2002 में चेन्नई के एक जिम में हुई थी। शादी के बाद दोनों को एक बेटी हुई जिसका नाम मुस्कान रखा गया। तो ये थी पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश मुंगिया की कहानी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।